दादी आपने मुझे बुला लिया होता? बुलाया होता तो ये चोरी कैसे पकड़ी जाती? जी मोबाइल छुपाने से आंखों और दिल का हाल नहीं छुप सकता। दादी आप भी ना। दादी दादी कहते रहते हो, बताया क्यों नहीं दादी को? दादी क्या कर रही हैं, दर्द हो रहा है। वो मैं पहले सोचा था कि उसे खुद बात करूं, उसे खुद बताना चाहता हूं। तो कर लो, किसने रोका? मैं सोचा था पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी। फिर मामा, मामा की टेंशन मत लो, रोमेसा से मैं बात कर लूंगी। बस तुम एमन की फिक्र करो। देखो उस्मान और सिरा आने वाले हैं, मैं चाहती हूँ ये खुशखबरी मैं खुद उन्हें बहुत जल्दी बताऊँ। दादी प्लीज यार थोड़ा सा टाइम तो दे। कोई टाइम वाइम, बस एमन की फिक्र करो, तुम उससे बात करो, वरना उस्मान और सिरा से मैं खुद बात करूँ। अच्छा पहले मैं खुद थोड़ी हिम्मत जोड़ दूँ। कपड़े रख लेना। अच्छा मिस्टर मिसेस जावेद हकानी को बुलाया ना? हाँ बेटा, उनके बेटे की शादी पे गए थे हम, उनको भेजो कार्ड जरूर। परियाल तुम भी कुछ काम कर लो, छोड़ो इस फोन को। भाभी ये क्यों काम करेगी, हम है ना सब कुछ करने के लिए। एग्जैक्टली, मुझे तो सिर्फ आराम करना चाहिए। क्यों दादो? हाँ भाई कर लो जितना रेस्ट करना है, लेकिन ससुराल जाके सबको बिठा के रखना। बीबी ठीक कह रही है, तुम वहां जाके काम करना और सबका दिल जीत लेना। ये डायलॉग मैंने कल टीवी ड्रामा में सुना है। डायलॉग तुम बड़ी सही जगह फिट करती हो, लेकिन ये डायलॉग ही रहे। आगे पीछे नौकर होंगे मेरी बेटी के, वो वहां जाके काम क्यों करेगी? हाँ एमन? बच्ची का ये मतलब नहीं था भाभी, वो सिर्फ बीबी की बात दोहरा रही थी। हाँ पता है मुझे, लेकिन ऐसी बात कही क्यों कि अगर आगे जाके सही हो जाए तो माओ का दिल दुखे। राज करेगी मेरी बेटी वहां जा। रुमैसा तुम भी तो यहाँ घर में काम करती हो, इसका क्या मतलब है तुम यहाँ राज नहीं करती? दादो आपको पता है कल बुआ से जो आपने मीठा बनवाया था सब चट कर गई है ये, और इसको लगता भी नहीं है मैं थोड़ा सा खा लूं तो यूं मोटी हो जाती हूँ। एमन प्लीज ऊपर से मेरा चश्मा ला दो, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, सुई में धागा डल ही नहीं रहा है मुझसे। राबे चची चश्मा आपके सर के पे। ओह शुक्र। आहिस्ता बोलो, बाहर किसी को नहीं पता कि मैं आया। तुम तो नेक्स्ट वीक आने वाला था लेकिन अभी आ गया तुम्हें सरप्राइज करने। बस यही प्राइसलेस एक्सप्रेशन देखने के लिए मैंने तुम्हें बताया नहीं था। बहुत बुरे हो, झूठे हो। तुम उसे सच्चा और अच्छा कोई ढूंढ लो ना तुम। शट अप। अच्छा बताओ कैसी हो? बहुत अच्छी। ये तो मैं जानता। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अरमान की, कितना लड़ेगा और झगड़ेगा जब उसको तुम्हारे बारे में पता चलेगा। तो बता देते ना। हाँ बता तो देता जब मुझे पता चला था कि तुम उसकी कजन हो, फिर मैंने सोचा कि फेस टू फेस ही बता दूंगा। मामा डैडी आ रहे हैं तो बता दो अपने दोस्त को। मामा और बाबा को फौरन ही थोड़ी भेज दूंगा मैं, अभी इंतजार करना पड़ेगा। और दिल तो नहीं चाह रहा और इंतजार करने का, लेकिन सही वक्त पर बताना होगा ना। वैसे मुझे कोई फिक्र नहीं क्योंकि दादी और अरमान सब संभाल लें। अच्छा तो मेरी बीबी और अरमान पे इतना ट्रस्ट है तुम्हें? अरमान पर तो खुद से भी ज्यादा है मुझे। हाँ सारा ट्रस्ट अरमान पर ही है कि वो सब कुछ संभालेगा, मुझ पे कोई ट्रस्ट नहीं। ये कैसे कह दिया आपने?
प्यार पर जब तक भरोसा ना होना तो वो पनपता नहीं है बल्कि मुरझा जाता है बीबी। क्या हो गया, चार दिन दूर रहे हो, किस किस्म की बातें करना शुरू कर दी थी, गहरी अजीब सी। यार तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारे बगैर एक दिन बल्कि एक लम्हा भी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। तुमसे सिर्फ प्यार थोड़ी किया है, मुझे तो एक दोस्त मिला है जिससे मैं अपनी अच्छी बुरी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। सादी, जब तुम इस तरह की बातें करते हो ना तो मैं डर जाती हूँ यार। क्यों? बस मैं सोचती हूँ अगर हम लोग साथ ना रहे तो। साथ ना रह सके क्या मतलब, क्यों नहीं रहेंगे हम साथ, और किसने बोला हम कौन हवाले करेगा? क्या हो गया, एक मिनट, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? मैं तो वैसे ही गा रहा हूँ। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे आप, होगा, क्योंकि मम्मा कहती हैं कि जो भी आप सोचते हैं बोलते हैं वही आपकी जिंदगी में होता है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। I really want to meet auntie यार। जल्दी, बल्कि जब तुम बाबा से मिलोगी ना तो वो तुम्हें मामा से ज्यादा पसंद आ जाएगी। सादी निकलो, जाओ यहाँ से, इतनी देर हो गई, बैठे बैठे चलो चलो चलो। भाई कहाँ रह गए ये लोग, इतनी देर हो गई है, एयरपोर्ट जाना है, ट्रैफिक होती है। आ जाएं, बैठे 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 एयरपोर्ट भी चले जाएंगे, बैठे। देर हो जाएगी? नहीं देर होगी। अरे तुम कब आए? यार कब से तो यहाँ बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। कितना टाइम लगा तू तैयार होने में? तुम्हें पता है एक घंटा लगाता है तैयार होने के लिए, लड़कियों से भी ज्यादा टाइम लेता है। मेरी कजन है हेमन, मेरा दोस्त शादी। हेमन। हेलो सादी। अरे वाह, तुम दोनों तो एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हो जैसे पहले से जानते हो एक दूसरे को। नहीं यार, तो फिर और कैसे मिलते हैं? कुछ नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। एमन ये मेरे बचपन का दोस्त है सादी। बचपन का दोस्त नहीं हो सकता, बचपन में तो तुमने कभी नहीं मिलवाया मुझे। नहीं, ये वो तुम्हारे जाने के बाद का जो बचपन है ना, ये उसका दोस्त है। तुम चली गई थी ना तो कोई दोस्त नहीं था मेरे पास, फिर एक नया दोस्त बनाना पड़ा। चलो अब तुम्हारे दोनों दोस्त तुम्हारे साथ। हाँ दोनों साथ हैं, और मैं चाहता हूँ कि अब हम तीनों दोस्त बन जाएं। दोस्त दोस्ती करते रहोगे, ये जाने की तैयारी पकड़ोगे? आप क्या करेंगे एयरपोर्ट जाके दादू? क्या मतलब, जो तुम करोगे। वेल सेड दादू, वेल सेड। पूछो भला। रूम ऐसा खाने का इंतजाम कर लिया ना तुमने? सब कुछ तैयार हो गया, आप बस एयरपोर्ट जाओ। अच्छा बस चल। ये टीवी चलाओ पापा, एयरपोर्ट। रिमोट लाओ, टीवी चलाओ, जल्दी करो। या खैर, ताजा खबर से आपको आगाह करते चलें, सैन फ्रांसिस्को से कराची आने वाली परवास की क्रैश लैंडिंग हुई है, तफसीलात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जराए के मुताबिक जहाज में 375 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से किसी का भी बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। आपको बताते चलें, सैन फ्रांसिस्को से परवास कराची आने वाली थी जिसकी क्रैश लैंडिंग हुई है, तफसीलात से आगाह करते रहेंगे, जो इत्तला मिलती रहेंगी। एमन, एमन,
बीबी साहिबा, वो आ गए हैं। उस्मान और सिर आ गए, आपको नीचे बुला रहे। चला था सलमान, कैसे पहचाना? ये घड़ी ये तो मेरी उम्र की घड़ी थी, मुझे क्यों नहीं उठा लिया? ये मेरे जाने का वक्त था सलमान, ये मेरे जाने का वक्त था। मेरे बच्चों ने तो अभी अपने बच्चों की खुशियां देखनी थी, मुझे क्यों नहीं उठा लिया? मैं कहां जाऊं? चले गए बच्चे, कहां से लाऊं बड़े डैडी? इन्हें लेकर कब जाएंगे? मामा कहती थी कि डैडी को कभी अकेला नहीं जाने देंगी। सच कहती थी मामा, बिल्कुल अकेला नहीं जाने दिया। लेकिन मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? मुझे भी साथ ले जाते। राबिया चाची, डैडी उमर चाचा के पास चले गए। कहते थे कि आपको फेस नहीं कर सकेंगे। देखिए, यहाँ आके भी फेस नहीं कर सके। मेरे डैडी ने अपनी जान दे के आपको सॉरी बोला है, प्लीज आप उन्हें माफ कर दीजिएगा।
अजीब सी हो गई है एमन, पत्थर की हो गई है, ना खा रही है, ना पी रही है, ना रो रही है। मैं जानता हूँ एमन, जो हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिंदगी मूव ऑन करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं देती ना। एमन, तुम कब तक क्यों चुप बैठी रहोगी बुध बनी? मैं दोस्त हूं तुम्हारा, मुझसे बोलो, अपना दिल हल्का करो, रो लो। अच्छा ओके, कुछ खाना खा लो। एमन, एमन खा तो रो। सोच रही हूँ तुम पाकिस्तान जाके अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना। क्या? हाँ, इट्स ओके। मैं चाहती हूँ कि तुम पाकिस्तान में सेटल हो जाओ। फॉर गॉड्स सेक मामा, चिढ़ क्यों रही हो? इज देयर समवन हियर जिसे पसंद करती हो? मैं पसंद करूंगी ना तो सबसे पहले आपको बताऊँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ग्रेट, इसका मतलब है कि तुम पाकिस्तान जाके शादी करके सेटल करने के लिए तैयार हो। लेट मी जस्ट डू दिस प्लीज। यू नो एमन, तुम वहां चली जाओगी ना तो तुम्हारे पीछे उस्मान भी जरूर आएंगे। Yes. रोमन में? तुम्हें मालूम है ये सब रोमन में मैंने खुद किया है। For you, my darling. I love you for this. Anything for you, मेरा बच्चा। तो पाकिस्तान चलें? अभी आपने बोला anything for you. एमन, पाकिस्तान जाने के लिए मुझे बहुत हिम्मत करनी होगी एमन। जिस डैडी ने अपनी बेटी को इतना बहादुर बनाया है, इतना प्रैक्टिकल बनाया है, वो सिर्फ एक बात पे तभी कैसे पढ़ सकते हैं? तुम नहीं समझोगी बेटा, ये जो गिल्ट होता है ना एक भाई को दूसरे भाई के मरने का, राबिया भाभी की वो खाली खाली आंखें आज तक मैं नहीं भूला। और आबिया, कैसी है? दवा लेके सोई है, मुश्किल से सुलाया है इसे। मुझे डर लगता है कि कुछ कर लेगी अपने साथ। बीबी, मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? बेटा करो। बीबी, मैंने कभी भी
एक लम्हे के लिए भी कभी ये नहीं सोचा कि उमर की मौत उस्मान भाई की वजह से हुई है। उमर का वक्त पूरा हो गया था, मैंने सोचा था इस दफा वो आएंगे तो मैं अपने दिल की बात उनसे जरूर करूंगी, लेकिन मुझे वो मौका ही नहीं मिला। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दे। कैसी बातें कर रही हो राबिया, माफी की क्या बात कर रही तो? कैसी माफी, क्यों? सब अकेले हो गए हैं, तुम भी, मेरी एमन भी, हम मैं कहाँ जाऊँ? नहीं बीबी, हम सब साथ हैं। आप ही मेरी माँ हैं, मेरा बाप हैं, सलमान भाई तो मेरे भाई हैं, हम अकेले नहीं हैं। बस यार, उठती है, चीखती है, बेहोश हो जाती है। दादू के कमरे में तुम चाहो तो मिल सकते हो। हाँ, मैं मिल लेता हूँ। परवान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। आई नो ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अरमान, मेरे साथ चलो, डैडी को तुम्हारी जरूरत है। मैं बात करके आ रहा हूँ। बाद में बात कर लेना, अभी मेरे साथ चलो। हाँ तुम जाओ, बल्कि अंकल की बात सुनो, जरूरी होगी। सॉरी सर। सॉरी। शादी, क्या बात? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो बात है शादी, क्या परेशानी बेटा? सही, देखो हमारा ऐसा ताल्लुक है कि तुम कोई भी बात खुल के कर सकते हो। बाबा, एमन। एमन क्या? एमन ही वो लड़की है जिसका मैंने सोचा था कि उस्मान अंकल और आंटी आ जाएंगे तो आप लोगों से कहूंगा। हम दोनों साथ पढ़ते थे, 6 महीने पहले ही मुलाकात हुई थी। चंद दिन पहले जब शादी की बात हो रही थी तो पता चला कि हेमन अरमान की कजिन है। फीलिंग सो हेल्पलेस। वहां पर मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, अरमान को भी नहीं। उसको तो मैं सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन कैसे दूं? मैं एमन को दिल से पसंद करता। मैं तुम्हारी कैफियत को समझ सकता हूँ बेटा। You got to wait for a while। थोड़ा इंतजार करो, मैं मौका देख के बीबी से बात करता हूँ। और उस लड़की का तो अब कोई भी नहीं है, मुझे तो कोई एतराज नहीं उसके सर पर हाथ रखने में शादी। थैंक यू। अब तो नाश्ता कर सकते। थोड़ा सा इंतजार कर लो, चाय पी ले।
कब तक लेटे रहेंगे? रात को भी आपने कुछ नहीं खाया। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, ऐसा बहुत जल्दी अकेला हो गया। सलमान, अल्लाह की मर्जी के सामने हम कुछ नहीं है, आप जरा सी हिम्मत करें। एक बात कहूं? हाँ कहो। वो फरियाल की तारीख, वो लोग कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बस मैं सोच रही थी कि मेरी बच्ची की क्या हो गया। तुम आज स्वयं तो हो लेने दो। माँ हूं ना, क्या करूं, मेरी बच्ची की शादी है, अगर इस तरह रुक गई तो अच्छा शगुन नहीं होता। हद करती हो तुम, हद ही कर देती हो। मेरा भाई मरा है, मेरा सगा भाई, मेरी माँ का बेटा, किसी की मौत भला किसी के लिए बदशगुनी कहां से हो सकती है? कुछ मेरा नहीं तो हेमंत का ही ख्याल करो। अरे मेरी बेटी का क्या जिम्मा कि उसके माँ बाप का गम उठाए। बस कर दो रुमैसा, बस कर दो, खुदा के वास्ते बस कर दो, कुछ मेरे दुखों का ख्याल रख लो। न जाने ऐसी कौन सी चिड़ है तुम्हें उस बच्ची से कि मेरे दुख दर्द पे भी उसको फौकियत दे रही हो। बस एक मुझे एहसास नहीं है आपका, सबको है, बीबी को है, एमन को भी है, बस सिर्फ मुझे नहीं है क्योंकि मैं अपनी बच्ची के बारे में बात कर रही हूँ। वो मेरी भी तो बच्ची है, मगर जिस वक्त तुम ये बात कर रही हो वो वक्त बहुत गलत है। ऐसे क्यों बैठे हैं? पता नहीं। ऐसे खामोश रह के कुछ नहीं होगा। सैमन की तकलीफ देखे नहीं जा रही। इतने से दिनों में सब कुछ कितना बदल गया ना, सब कुछ उल्टा हो गया। इमन क्या थी और क्या हो गई? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बात करें किससे? इमन से। इस हालत में मैं इमन से अपने दिल की क्या बात करूं? घर वालों से बात करें पहले, ऐसा ना हो आप इमन से बात कर लें और घर वाले को पता है ना मैं क्या कह रही हूं। सारी जिंदगी मुझे मिस करना। क्या हुआ बेटा, डर क्यों गई? नहीं डैडी। कैरी ऑन, फोन क्यों बंद कर दिया? वो हाथ लग गया था, मैं कर लूंगी अभी। एमन, बेटा इज देयर एनीथिंग यू'ड लाइक टू शेयर विद मी? नो डैडी, नथिंग। देखो बेटा, तुम मेरा मान हो एंड आई रियली लव यू। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? I know it. मेरा बच्चा। Thank you.
अरे कहाँ की तैयारी? वो वेलफेयर होम पे ना कुछ औरतें आई हुई हैं, जाके देखती हूँ किसका क्या काम करवा सकती हूँ। कितनी औरतों को काम देती हैं ना, और मैं कैसा खुशनसीब हूँ कि मेरी बीवी इतनी नेकियाँ कमाती। रजा ये सब मैंने आपसे तो सीखा है ना, और अब ये सब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। इन नेकियों के बदले बस अपनी औलाद की खुशी मांगती हूँ मैं। नेकियों के बदले कभी कुछ नहीं मांगा जाता तलत, नेकी सिर्फ नेकी की नीयत से की जानी चाहिए। उसका अजर क्या देना है ये देने वाला हमसे बेहतर जानता है। अच्छा अच्छा भाई, गलती हो गई, दो घंटे में मैं आ जाऊंगी। अच्छा, किससे जा रही? शुमाइला के साथ। हाँ ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आपने बुलाया बीबी? मैंने नहीं, अरमान ने बुलाया। बैठ जाओ प्लीज। क्या बात है बेटा, आप लोग प्लीज बैठ जाए। ऐसे क्या बात हो गई कि इस वक्त इकट्ठा किया सबको? अबे भी नहीं बताया इसने क्यों बुलाया। मैं जो बात करना चाहता हूँ, मुझे पता है शायद वो कि बात करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है। और मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि इसमें खुशी से ज़्यादा एहसास इन्वॉल्व है। बेटा खुल के बात करो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं हेमंत से शादी करना चाहता हूँ। मैं ये बात पहले हेमंत को कहना और बताना चाहता था, लेकिन फिर उस्मान चाचा घर आने का वेट कर रहा था, सोचा उसको बता दूंगा, आप सब लोगों से इजाजत ले लूंगा, मना लूंगा किसी तरह। फिर ये हादसा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। मुझसे हेमंत को इस हालत में नहीं देखा जा रहा। मैं आप लोगों को ये बात बता के इसलिए कॉन्फिडेंस में लेना चाहता हूँ ताकि जब भी मैं उससे बात करूँ उसका कोई भी रिएक्शन हो तो आप लोगों को ये बात पता हो, और उसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। इजाज़त? अरे जब सब कुछ सोच ही लिया है तो इजाज़त कैसी? मामा प्लीज, मैं जानता हूँ हेमंत तो आपको वैसे एक आंख नहीं बांधती, फिर भी। लेकिन क्यों, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। तो वजह है, वो यहाँ पली बड़ी नहीं है, क्या तरबियत है उसकी, बाहर की सोच है, वो यहाँ कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ उसको, उसका दिल बिल्कुल साफ है। अगर तुमने उसके दिल में झांकी लिया है तो फिर इजाजत क्यों ले रहे हो? वैसे रुमैस साहब, अरमान कुछ गलत भी नहीं कह रहा, उस बच्ची में बुराई क्या है आखिर? हाँ, आप सबको तो इसमें कुछ बुरा नहीं लगेगा, अभी भी आप भी चुप रहेंगी ना इस वक्त, क्योंकि आप भी यही चाहती थी। आप क्यों कुछ कहेंगी? मेरी बहन के वक्त भी आपको चुप लगती थी। रुमैसा प्लीज। रुमैसा, मैंने आज तक तुम लोगों के किसी फैसले में कभी बोला? और अब भी जो तुम मियां बीवी फैसला करोगे वो इस घर का फैसला होगा। और रही तुम्हारी बहन की बात, वो मेरी बहन की बेटी थी जिस तरह तुम थी। अगर तुम्हें अपनाने में मेरे लिए कोई मसला नहीं था तो उसके लिए क्यों होता? सबने तो फैसला कर ही लिया है ना अरमान, तो फिर मेरी क्या परवाह? मां प्लीज ऐसी बातें मत करें, क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट करी है? आई वांट टू टॉक टू हेमन, मुझे उसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। बात तो तुम करोगे उससे हर हाल, और यहां से सबकी रजामंदी भी मिल जाएगी, लेकिन एक बात याद रखो, मेरी रजामंदी तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। ऐसा मैं बात करती हूँ, कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की, मैं खुद संभालूंगा। बेटा मेरी इजाजत है तुम्हें। थैंक यू डैडी, लेकिन मैं मामा की भी इजाजत लूंगा। बेटा बीबी, आज रुमैसा ने जो किया उसकी हद होती है, और मैं आपको बता दूं कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सलमान, इस घर में आज तक किसी ने औरत के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की, तुम्हारे बाप की दिलाई हुई रीत आज भी कायम रहेगी, समझे? रुमैसा कहाँ जा रही है? एमन के कमरे में।
तुम्हें कुछ कर, चल छोड़े मेरा हाथ, चल छोड़े मेरा हाथ। ये कौन सा तरीका है सलमान? तुम करने जा रही थी वो क्या तरीका था? मैं क्या करने जा रही थी? मैं तो सिर्फ पूछने जा रही थी कि वो कब तक यहाँ रहेगी। हद करती हो रुमेसा, तुम हद करती हो। और उस लड़की ने जो हद पार की है वो? उस बिचारी ने क्या किया है? अरमान उसे चाहता है, वो उसे नहीं चाहती, हमें नहीं पता। तुम उसको क्यों इल्जाम दे रही हो बिचारी को? मुझे कुछ नहीं पता, अब उसको वापस जाना चाहिए। अरे कहाँ जाएगी वो? अब वो यहीं रहेगी, उसका तो कोई भी नहीं है। मैं उसके बाप की तरह हूँ, यहीं रहेगी वो। मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम इस बच्ची से उस्मान का बदला लेना चाहती हो। इस घर में कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं हुई, तो उस्मान के साथ भी जबरदस्ती नहीं हो सकती थी। अब तुम्हारी बहन का शौहर कैसा है, नहीं मिलता लोगों से, गुस्से करता है, जो भी है, उसमें इस बिचारी का क्या कसूर है? बस करें, एक तो हर वक्त यही दुहाई दी जाती कि इस घर में जबरदस्ती नहीं होती, तो फिर मुझसे जबरदस्ती क्यों हो रही है? अरमान मेरा बेटा है, तो मुझसे जबरदस्ती क्यों की जा रही है कि मैं मान जाऊं? तुम बस सारे असूल अपने लिए और मेरे लिए तुम्हेशा?